तो वही मशहूर रियलिटी टीवी शो की एक्स कंटेस्टेंट और दंतेवाड़ा निवासी निहारिका तिवारी को उदयपुर घटना की निंदा करने पर अब धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने निहारिका तिवारी को मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल निहारिका ने एक वीडियो पोस्ट कर उदयपुर की घटना की निंदा की थी, जिसके बाद से उन्हें इस तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद से निहारिका ने एक वीडियो जारी कर पूरी घटना बताई। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तू भी गई, तेरा क्या होगा, ये सब चीजें, इतने सारे मैसेजेस है ना, अगर मैं स्टोरी में डालूं तो स्टोरी फुल हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो, आप ये सब मैसेज भेज के आप मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो, तो मैं मुंह बंद नहीं करूंगी। और तीसरी बात ये कि मैं नुपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ जो एक्ट हुआ है, मैं अपनी नाराजगी इसमें जता रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है, लेकिन तेज बारिश के चलते कई वनांचल और दूरस्थ इलाकों के लोग बाढ़ जैसे हालातों से भी जूझते हुए नजर आ रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। धमतरी के सिहावा विधानसभा और जिले के अंतिम छोर पर बसे बोरई और रिस गांव के लोग इन दिनों बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। हर साल बारिश के दिनों में बोरई मार्ग की सीता नदी, आठ दहारा नदी के अलावा बोरई से बुढ़रा आदि मांझी नालों में शुरुआती बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुढ़रा गांव की बसाहट ऐसी है, चारों तरफ नदी नालों से घिरा हुआ है और बरसात के दिनों में ग्राम बुढ़रा टापू में तब्दील हो जाता है। कई बार तो साप्ताहिक बाजार दैनिक सामग्री लेने के लिए बोरई जाते हैं, तो आते जाते वक्त कई घंटों तक बाढ़ में फंसना पड़ता है और कई घंटों तक इंतजार करते हैं वहां पे, तब जाके बाढ़ को पार करके घर तक आते हैं। रपटा या पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को दूसरी ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। नगरी बुराई इलाकों में जोरदार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस साल भी पूरी तैयारी की जा चुकी है, कंट्रोल रूम जिला लेवल में स्थापित है, तहसील लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित है और नदियों के किनारे के हम लोग 77 ग्राम को हमने चिन्हित कर लिया है जहाँ बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो 30 गांव है। तो उन गांव में हम लोग ने विशेष रूप से यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो कहाँ पे हम शेल्टर रूम होम बनाएंगे, क्या स्थिति है, तो वो सबकी भी कार्यवाही कर ली गई है। साथ ही साथ बारिश को दृष्टिगत वर्षा जनित बीमारियों से या फिर सांप वगैरह की हमारी गतिविधि बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है। तो तैयारी हमारी पूरी है, यदि कोई रेस्क्यू की नौबत भी आती है तो बोटिंग और अन्य चीजों के साथ होमगार्ड हमारे को व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है। बुराई में लगने वाले साप्ताहिक बाजार से आसपास के गांव के लोग दैनिक उपयोग के सामान लाते हैं, लेकिन नदी नालों में बाढ़ आ जाने के चलते दूसरी तरफ तक जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। देखो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, सब है, सही समय पर सूचना यदि मिलती है तो बकायदा हम भेजते हैं। और अभी हम जो है सभी जगह जो है हम जो है शिविर लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ की समस्या है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो है शिविर लगा है, कल ही गट्टासिली एरिया में शिविर लगा था, 191 जो है समस्या आई थी, उसमें 188 जो है उसको तुरंत वहीं पर हल कर दिया गया। अब समस्या को लेके पकड़े रहेंगे, जरा भी यहाँ बताएंगे नहीं, सूचने दे देंगे, इससे उस लोग तकलीफ। लेकिन जन प्रतिनिधियों का तो ये कहना है कि ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान किया जा रहा है, लोग इसकी जानकारी ही नहीं देते हैं, जिसके बाद से सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।